संसद में कभी आंख मारते हैं, कभी गले पड़ते हैं, तो कभी देते हैं फ्लाइंग किस। आखिर राहुल गांधी चाहते क्या हैं? क्या राहुल गांधी की फिर से चली जाएगी संसद सदस्यता? इस बार कर दिया बड़ा कांड, स्मृति ईरानी ने खूब झाड़ा। बार बार संसद में ऐसा क्यों करते हैं राहुल गांधी? कौन है उनके सलाहकार जो दे रहे हैं ऐसी सलाह? कांग्रेस भी परेशान। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, सड़कों पर जाकर कभी मजदूरों से मिले, कभी ट्रक ड्राइवर से मिले, कभी जंगल में जाकर किसानों से मिले, फिर उनकी संसद सदस्यता चली गई, चुनाव लड़ने पर रोक लग गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। और जब 13 महीने बाद राहुल गांधी ने संसद में भाषण दिया तो कुछ ऐसा दिया जिसने उन्हें फिर से मुसीबत में डाल दिया। आपको याद होगा, एक बार वो पीएम मोदी को जबरदस्ती जाकर गले पड़ गए, उस पर कितने मीम्स बने थे। इसके बाद उन्होंने संसद में आंख मारने वाला कांड किया था, उस पर भी लोगों ने जमकर मीम्स बनाए। अब राहुल गांधी पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस दी है, जिसका बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने विरोध किया। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, आज सदन में देश को पता चले। राहुल गांधी के समर्थक कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की छवि बदली है, हो सकता है, लेकिन संसद में हुए इस तरह के वाक्य बरसों बरस तक याद रखे जाते हैं। वो संसद की लाइब्रेरी में हमेशा के लिए रखे रहते हैं। संसद की अपनी एक गरिमा है, अगर नेता संसद में ही ऐसे करने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा। राहुल गांधी ने इस संसद में मणिपुर से लेकर मेवात तक अपनी बात रखी, खूब एग्रेसिव भाषण दिया, लेकिन जाते जाते चूक कर गए। जनता सवाल ये कर रही है कि राहुल गांधी को कोई कुछ बताता नहीं है या फिर वो किसी की बात सुनते नहीं है, क्योंकि अब वो राजनीति में बच्चे तो नहीं हैं, दशकों का एक्सपीरियंस उनको हो गया है, उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें कर रही हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।